हेलो एवरीवन वेलकम ऑल निम्बस पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी माई सेल्फ नर्सिंग भदौरिया सीनियर फैकल्टी ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी यस सो हियर वी इंट्रोड्यूस टुडे आरआईबी सो आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इज आरआईबी यस तो आरआईबी आई इज बेसिकली रैंक इम्प्रूवमेंट बैच तो इंजीनियर्स अकेडमी क्या कर रहा है एक नया बैच लॉन्च कर रहा है Uh, जो कि विच इज़ वेरी मच लाइक डिफरेंट फ्रॉम योर रेगुलर बैच जैसा कि नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं रैंक इंप्रूवमेंट है मतलब आप अगर इस बैच में पढ़ते हैं तो आपकी रैंक इंप्रूव हो जाएगी अब क्वेश्चन मार्क आता है कि सर आप इसमें uh, क्या पढ़ाने वाले हो किस तरह से पढ़ाओगे कौन से बच्चे पढ़ेंगे क्या इस बैच के लिए फ्रेशर्स अपलीकेब एलिजिबल है या नहीं है तो मैं इन सारी बातों पे मैं आपको वन बाय वन चर्चा कर रहा हूँ तो देखिए अपना ये पूरा जो वीडियो है इसको आप अंत तक देखिएगा इसमें क्या है कि मैं आपको एक क्वेश्चन लेके भी समझाऊंगा कि मैं किस तरीके से आ, आपको क्वेश्चन लूंगा और किस तरह से इसमें पढ़ाने वाला हूँ और हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम योर रेगुलर और नॉर्मल बैच यस सो देखिए यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो रेगुलर बैचेज होते हैं अपने आप जो चलते हैं या पूरे इंडिया में कहीं भी चल रहे हैं तो रेगुलर बैच जनरली क्या होते हैं प्रोफेसर uh, ज्वाइन करते हैं जिन्होंने कहीं भी तैयारी नहीं करी है वो कॉलेज गोइंग है या कॉलेज में पढ़ रहे हैं uh, और फ्रेशर है मतलब उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी बट अगर हम आर की बात करें तो इसमें अगर हम आपसे पूछें कि सर इसमें कौन से स्टूडेंट्स होंगे तो देखिए दान से इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है कि भले आप कॉलेज गोइंग हो लेकिन आपने सारा पढ़ रखा हो पहले से एक बार आपने एक बार नहीं पढ़ रखा है तो कम से कम एक बार सारे गेट के टॉपिक से आप गोथ्रो हो चुके हों साथ के साथ आपने या तो गेट एग्जाम दिया हो ठीक है ना तो अगर आपने गेट एग्जाम दिया है और भले आप क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड है दोनों कैटेगरी के, के लोग इसमें एलिजिबल हैं यस ओके तो मेरे पास क्या है कि एक तो क्या है कि एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो फाइनल ईयर में होगा और उसने प्रीवियस ईयर दो साल से कोचिंग कर रहा था फाउंडेशन बैच वगैरह में उसने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है साथ के साथ एक स्टूडेंट इसने गेट दिया और ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाया तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए बैचेस बनाए गया है अब देखिए ध्यान से जैसे मैं अगर इन दोनों स्टूडेंट में एक कॉमन सी चीज़ ऑब्जर्व करूँ तो क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये दो दोनों बच्चे हैं जो एक आपका एक ऐसा बच्चा जिसने गेट नहीं दिया बट उसने सारा कंटेंट पढ़ रखा है एक ऐसा बच्चा जिसने गेट दिया है तो इसने भी सारा कंटेंट पढ़ रखा है तो देखिए ध्यान से इसने गेट दिया बट इसकी रैंक नहीं आई इसने तो गेट ही नहीं दिया तो इसकी रैंक आने का कोई सवाल ही नहीं है तो देखिए ध्यान से दोनों कैटेगरी बट ये दोनों कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने सारा कुछ सिलेबस पढ़ रखा है अब इसकी रैंक नहीं आई तो उसके पीछे रीजन क्या है रीजन क्या है कि इसने कंटेंट तो पढ़ा है लेकिन उसने इस पर ध्यान ज्यादा नहीं दिया ऐसे कह सकते हो लैक ऑफ प्रैक्टिस क्योंकि आप सारे ही जानते हैं गेट का मतलब प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है ओनली प्रैक्टिस सो बेसिकली अगर आर को हम एक लाइन में डिफाइन कर प्रैक्टिस बैच सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिस बेस देखिए मैं एकदम क्लियर कर देता हूं आपको यहां पे कि सर हम करने वाले क्या है फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिएगा हम आपको कोई क्वेश्चंस कराते हैं एन है पावर सिस्टम है मतलब सारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें खासतौर पे तो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन क्योंकि हमारे पास यहां पे होगा कि हम क्वेश्चंस आपको लाएंगे और हम आपको उससे रिलेटेड जो थ्योरी होगी डिस्कस करेंगे मतलब थ्योरी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं बताने वाला डिटेल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा उसको ये नहीं कि जैसे नॉर्मल वाइस में होता है कि हमने आराम आराम बता रहे हैं उसको एकदम पहले थ्योरी पे एकदम रिसर्च ही कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं है आई जस्ट टेक द क्वेश्चन या हो सकता है कि क्वेश्चंस करने से पहले हम छोटी सी आपको एक थ्योरी बताएं कि सर देखिए ध्यान से ये मेरे पास एक डिस्कशन है इसको मैंने रिवाइज़ किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें मतलब अपना जो मेन कंसर्न रहेगा पूरे साल वो ये रहेगा मतलब जो भी छः सात आठ महीने का प्रोग्राम है इसमें आप देखेंगे कि ऑल टाइम हम क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं उन क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको क्या कराऊंगा यहां पे जो भी थ्योरी है उसको डिस्कस करूंगा ऐसे इस, इसको देखो अब आर को अब इस टर्मोलॉजी में आप मत लीजिएगा कि आर मतलब लाइक यू नो कंसेप्ट थ्रो क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है हम आपको क्या करने वाले हैं जो भी डिस्कशन होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एनालॉग की बात करें डायोड है तो हल्का सा मैंने आपको डायोड को ब्रीफ कर दिया डायोड को मैंने ब्रीफ कर दिया ब्रीफ करने के बाद उस रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया तो जो ब्रीफिंग करी मैंने ना वो आपको पहले से आती थी मैंने हल्का सा बताया आपको तो टॉपिक को हल्का सा ब्रीफ किया क्वेश्चन करें या मैंने कभी कभी कोई क्वेश्चन लिया ले ले डायरेक्ट भाई जैसे मान लो नेटवर्क की बात करें फॉर एग्जाम्पल तो नेटवर्क में क्या होगा बेसिक केवल केशल होगा ना तो केवल केशल तो नहीं बताने वाली चीज़ क्योंकि आपने पढ़ रखा है ना तो हमने डायरेक्ट क्वेश्चन ले लिया नोडल का नोडल करा रहे हैं साथ के साथ नोडल डिस्कस हो गया ये ये कहानी चलेगी गेट का कोई क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं वो आप अपने आप से ही कर लेंगे इतनी अच्छी यहाँ डिलीवरी होने वाली है एक पूरी डेडिकेटेड टीम है ऐसा भी नहीं कि कोई भी आके पढ़ाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फिक्स मेंबर हैं जो कि क्लास जो जो लेने वाले हैं सारी चीजें आप पहले से डिफाइंड हैं। समझ रहे मेरी बात आपकी नहीं तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करना है तो बहुत बेहतरीन बैच होने वाला है ये आप मान लीजिएगा कि अगर आप इसमें पढ़ते हैं और इस मेरे को फॉलो करते हैं या मेरी टीम को फॉलो करते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस होने वाला है और मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपके जो गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या फिर आपके ई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं या फिर ई के आपके कन्वेंशनल क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा लेकिन जरूर मैं आपसे कहूँगा इनको आप करिएगा तो सर आप क्या कराएंगे देखिए ध्यान से आप में इनमें किसमें डाउट है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके ऑब्जेक्टिव भी कर लीजिएगा आप रिटर्न एग्जाम के भी कन्वेंशनल भी कर लीजिएगा हम लोग जितनी मेरी पूरी टीम है वो क्या करेगी हाँ इसमें अगर कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा दो चार पाँच दस क्वेश्चन पूरे सब्जेक्ट में तो वो भले हम लोग डिस्कस कर लें नहीं तो हम लोगों का टारगेट ये है कि पर सब्जेक्ट तीन सौ से साढ़े तीन सौ क्वेश्चन नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तीन सौ से साढ़े तीन सौ क्वेश्चन ध्यान सुन लीजिएगा आप बहुत बड़ा नंबर है ये

तो मेन जो मोटिव है इस क्लास का कि आपने थ्योरी पढ़ रखी है आपको बेसिक्स आइडिया हैं और आपको हम क्या करने वाले हैं कहीं ना कहीं थ्योरी पढ़ाएंगे लेकिन थ्योरी पे जो रहेगा कंसर्न वो बहुत फास्ट रहेगा फटाफट रहे रिवाइज कराया और हमेशा अपना जो मेन मोटिव रहेगा क्वेश्चन 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 एंड ऑल टाइम क्वेश्चन एंड यू नो द प्रैक्टिस इज ओनली गेट गेट इज जस्ट प्रैक्टिस तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि वट इज आर आई बी तभी इसका नाम रखा गया रैंक इंप्रूवमेंट मैच ऑलरेडी यू हैव गॉट सम रैंक आई जस्ट वॉन्ट टू इंप्रूव इट यस दिस इज वी हैव

अब हम आपको एक काम करने जा रहे हैं क्योंकि मैं जैसा मैंने बोला नर्सिंग भदौरिया मेरा नाम है आप काफ़ी लोग हो सकता है मेरे को जानते भी हूँ ठीक है ना तो जैसे मैं जो सब्जेक्ट डील करने वाला हूँ वो एनालॉग ईडीसी नेटवर्क ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ हल्का सा ऐसे ही मतलब है ना और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन को हम मैनेज करेंगे या कैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आ रहा है तो हम किस तरह से थ्योरी करने वाले हैं तो जैसे कि अभी मैं खासतौर पर यहाँ पे डायोड से एक क्वेश्चन आपको रिलेट कर देता हूँ कोई भी टॉपिक ले सकते हो डायड ईडीसी नेटवर्क कुछ भी तो मैं एक ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आपको डिस्कस करके बता रहा हूं कि किस तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ओके okay. तो जैसे कि आ, मैंने बोला कि डायोड तो अगर डायोड की बात करें तो डायोड में बहुत सारे टॉपिक हैं क्या 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 टॉपिक है जैसे सबसे पहले क्वेश्चन मॉडलिंग से बनते हैं क्योंकि एनलॉक की बात करें तो डायोड ईडीसी का अलग है एललॉक का अलग है तो अभी हम बात करें एनलॉक वाले डायोड की ऐसे मान लो आप यानी अप्लीकेशन ऑफ डायोड की तो मेरे पास क्लिपर है क्लैम्पर है या फिर आप कह लें मेरे पास मॉडलिंग ऑफ डायोड है डायोड स्वच है नंबर ऑफ टॉपिक इन बिटवीन वी हैव अ जेनर डायोड तो मेरा कंसर्न यहाँ पे है कि हम आ, किस तरह से आपको पढ़ाने वाले हैं तो अभी हम एकदम स्टार्टिंग का एक छोटा सा टॉपिक लेकर वो समझाता हूँ फॉर एग्जाम्पल आई से दिस कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग का ईसी वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कई बार इलेक्ट्रिकल में भी पूछ लेता है तो जैसे मेरे पास मान लीजिए स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग का क्वेश्चन है तो मैं वो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ तो ऐसा नहीं पहले मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ तो मैंने कहा मैं आपको स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ हो सकता है आपने पढ़ा हो रेगुलर क्लास में हो सकता नहीं पढ़ा हो बट आई ब्रीफ इट कि ये सर स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग है मॉडलिंग आपको आती है बट मैं आई टेक दिस टॉपिक यस तो मैं इसको फटाफट ब्रीफ कर देता हूं देन वी बेसिकली पुट द क्वेश्चन और उसको फिर सॉल्व कर लेते हैं तो ये अपना रहेगा तो जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूं कि एक बार मैं जल्दी से आपको ब्रीफ करता हूं कि सर व्हाट इज स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग सो जस्ट सी नेटवर्क भी ले सकते हैं नेटवर्क है जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ट्रांजेंट का है तो आई जस्ट बेसिकली रिवाइज योर ट्रांजेंट तो स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग देखो आप तो जैसे स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग तो जरा इसको एक बार आप समझें आप क्या है पूरी कहानी तो हम क्या करेंगे ये से टॉपिक मेरे पास हल्का सा इसको मुझे क्या करना है रिवाइज करना है ओके okay, तो जैसे मेरे पास ये डायोड है फॉर एग्जाम्पल आई से दिस इज वी हैव डायोड ये मेरे पास डायोड है ओके okay, हमने इस डायोड को क्या कर रखा है एक डीसी बैटरी से बायस कर रखा है ओके दिस इज वी हैव ओके यहाँ पे चाहो तो आप एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो दिस इज वी हैव है आर ईयर दिस इज बी हैव ए डीसी सी बायस कुछ डीसी वोल्ट है बारह पंद्रह वोल्ट और भी बात है इसको जब डीसी वोल्टेज लगाओ तो दिस शुड बी टर्न्स ऑन यस इसका कुछ कटिन वोल्टेज होगा पॉइंट सेवन तो ये ऑन हो जाएगा बिल्कुल सही बात हैली इंट्रोड्यूस स्मॉल सिग्नल यस एंड आई से दिस इज यू नो इस्मी सिग्नल स्मॉल ए सी सिग्नल ये मैंने कर दिया इसम ए सी सिग्नल ठीक है एक बात मुझे बताओ अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सर मेरे पास यहाँ पे डी है यहाँ पे स्मॉल ए है सडनली uh, uh, आई से दिस आई जस्ट वॉन्ट टू बेसिकली सॉल्व द सर्किट मैं आपसे कह रहा हूँ सर इसमें क्या ए सी करेंट फ्लो करेगी या डायोड के क्रॉस क्या एसी वोल्टेज होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है तो आई थिंक सो नॉट ए बिग डील विच इज़ वेरी इजी टू सॉल्व जस्ट माइंड द सिचुएशन सी जैसे मैं आपसे एक बात पूछूँ अगर ध्यान दीजिएगा आप ज़रा कि ये मेरे पास दोनों है जैसे इसको मैं ए सी सोला इसको डी सी बोला हूँ तो आपको सर नोटेशन पता होंगे जब भी हम कैपिटल कैपिटल लिखते हैं इट मींस डी सी सिग्नल

तो ये मेरे पास इस तरह आ गया इसके पहले भी एक टॉपिक होता है बट मैं उसको डिस्कस नहीं किया तो जैसे आपको आता होगा तो मैंने जैसे ये छोटा सा टॉपिक है मतलब एक एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ मतलब ऐसा कुछ नहीं है नहीं सर क्या ऐसे ही पढ़ाने वाले हो क्या ये पहली क्लास इस तरह की होगी पता नहीं पहली क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे हो सकता है पहली क्लास में हम ओपाई से स्टार्ट कर दें तो कहानी क्या होगी वो क्लास आप लेंगे तब पता चलेगा लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं किस तरह से आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आप चीज देखिएगा तो ये मेरे पास आ गया तो जैसे मैं आपसे एक बात पूछूँ यहाँ पे कि सर ये बताइएगा कि यहाँ पे क्या करंट आएगी डेफिनेटली दिस इज डी सी क्वान्टिटी दिस ए सी क्वान्टिटी तो यहाँ पे जो करंट आने वाली इट शुड बी आई से ए सी प्लस डी सी जैसे इस वोल्टेज की बात करें तो इट शुड बी आई स दिस जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू नो स्मॉल एंड कैपिटल इसका मतलब होता है ए सी प्लस डी सी तो इसको ऐसे में लिख दूँ अगर तो इट शुड बी आई स दिस वीडी ऑफ्टी जब भी हम स्मॉल कैपिटल लिखते हैं इसका मतलब ए सी है तो यहाँ पे डी और ए है दो आपको दिख रही है ये डी सी वोल्टेज है ये वोल्टेज है तो यहाँ पे जो करंट आने वाली डायोड में कैसी आएगी ए प्लस डी तो नाउ जस्ट टेल मी वीडियो आप सबको ही पता है कि वन एवर द डायोड इज फॉरवर्ड बायस आप सबको ही पता है कि जब भी आपका डायोड क्या होता है फॉरवर्ड बायस होता है एंड वी हैव दिस दिस इज अ करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट इट द पावर वी डी अपॉन नीटा वी टी ठीक है दिस वीनो दिस रिजल्ट ये मुझे पता है रिजल्ट दिस इज वीनो अप्रोक्सीमेट या माइनस वन भी होता है बट इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस वी कैन यस हो सकता है मैं यही टॉपिक लेके पहले वाला टॉपिक समझा देता इस इक्वेशन पे भी कर सकता था क्वेश्चंस कई सारे क्वेश्चंस जैसे इस बार इलेक्ट्रिकल में इस 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 इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है तो इस पे भी हम क्वेश्चन आपको बता सकते थे बट एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ क्या करने वाला हूँ नेटवर्क का भी ले सकते थे ई का भी तो फिलहाल अभी इस पर आप ध्यान दीजिएगा ये है जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि सर मुझे बताइएगा अगर आप इस ग्राफ इसको देखें सॉरी इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे करंट क्या आएगी मेरे पास ए सी प्लस डी सी करंट आने वाली नाउ जस्ट टेलमी नहीं बड़ी कि सर यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा मैं लिखूँ अगर यहाँ पे ए सी प्लस जी सी तो वट आई रेट इट ईयर आई डी ऑफ टी इज इक्वल टू विच इज आई नॉट और यहाँ पे आप क्या ले सकते हो ई e, और इसकी जगह आप क्या ले सकते हो वोल्टेज uh, कितना है यहाँ पे इट शुड बी आई से वी डी प्लस वी डी ऑफ टी डिवाइड बाई नीटा वी टी वेरी सिंपल अब आप ध्यान से देखो अगर मैं आपसे एक बात पूछूँ यहाँ पे सो आई डी ऑफ टी क्या ले सकते हो आप आई डी ऑफ टी इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर वी डी अपॉन नीटा वी टी सो दिस इज़ वी है यहाँ पे क्या लिख सकते हो ई टू इवर वी डी ऑफ टी डि नीटा वी टी दिस इज वी है अलग अलग कर दिया मैंने अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएं शायद आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इट शुड बी आई से दिस कैपिटल आई डी जो ऊपर आपने लिख रखा है दिस इज वी है देखो, देखो ध्यान से वी डी है ना डीसी वोल्टेज है अब जब डीसी वोल्टेज है तो आई डी होगा और क्या होगा ये कोई बड़ी चीज थोड़ी इसमें अब ध्यान से देखो आप जरा इसको अगर मैं एक बार लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ आई जस्ट राइट इट आई डी ऑफ टी इज इक्वल टू आई राइट आई डी एंड इट शुड बी इट दी पावर वी डी ऑफ टी डिड बाई नीटा वी टी ओके okay. तो जैसे मैं आपसे कहूँ एक बार कि ई टू पावर एक्स क्या होता है तो आपने टू पावर एक्स होता है फैक्टोरियल दिस इज वी हैव टू पावर एक्स हम यहां पे जम्प्शन ले रहे हैं क्या एजम्पन ले रहे हैं कि सर मेरा जो वी डी है वो एक स्मॉल एसी सिग्नल है और ये मान के चल रहा हूँ वीडी अपॉन नीटा इज मच मच लेस देन वन तो कोई बताएगा अगर ये क्वान्टिटी ये जो लिखा हुआ है दिस इज योर एक्स अगर एक्स की वैल्यू काफी कम है एक से इफ एक्स इज लेस देन वन सो आई थिंक सो दर इज नो नीड टू टेक हाईअर ऑर्डर टर्म इसको आप छोड़ सकते हो यानी कि अगर इट टू पावर एक्स में एक्स बहुत छोटा है तो हंड्रेड परसेंट वी से कि टू द पावर एक्स को हम क्या भी अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं इट शुड बी आई डी ऑफ टी इज इक्वल टू आई राइट आई डी इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस वी डी ऑफ टी डिट है वी टी दिस इज वी है ये लिखा जा सकता है तो फ्रॉम वेयर वॉट वी गॉट यर वी गेट आई डी ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल आई डी प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हो आई डी एंड हियर आई सी दिस इज वीडी डिड बाई नीटा वी टी शायद आप समझ गए एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सब समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अगर आप ध्यान से देखें अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं आपके पास ये एसी प्लस डी सी टोटल करंट लिखी है दिस इज योर डीसी क्वांटिटी एंड दिस इज योर ए सी क्वांटिटी यस ओके तो यहां पर मेरे पास डीसी प्लस ए सी है क्या सर सिखाना चाह रहे थे आप मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ आपको कि वन एवर वी हैव ए डायोड एंड वी बायस विद सम समीसी वोल्टेज एंड वी बेसिकली पुट हियर यू नो पुट सम यू नो स्मॉल ए सी सिग्नल सो हाउ वी हैंडल दिस स्मॉल ए सी सिग्नल या ऐसे कह लो कि सर जो ए सी सिग्नल लगाया उसकी वजह से ए सी करंट ए सी वोल्टेज क्या होगा अब आप ध्यान से देखो ये जो क्वांटिटी आ रही है दिस क्वांटिटी इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर ए सी तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं यहां पे जो एसी करंट है आईडी ऑफ टी स्मॉल स्मॉल कह ले सकते हैं कैपिटल आईडी डी वी डी ऑफ टी डिड बाय नीटा वी टी समझ गए मेरी बात आपके नहीं तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप ऐसे कह सकते हैं ये करंट है तो 100% परसेंट आई से कि यहां पे जो आपका लिखा हुआ है अगर इस क्वांटिटी को देखें सो दिस क्वांटिटी इज व्हाट दिस इज योर आई से कंडक्टेंस आई डी अपॉन डिटाविटी या ऐसे आप कह सकते हैं दिस इज वन अपॉन यू नो कंडक्टेंस इज वन बाई आर दिस इज रजिस्टेंस तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप आई डी ऑफ टी को लिख सकते हैं तो हंड्रेड वी ऑब्जर्व दैट क्या ऑब्जर्व कर करें यहाँ पे कि मेरे पास जो RD की वैल्यू निकल के आ रही तो इज़ इक्वल टू आई राइट नीटा अपॉन कैपिटल आईडी जरा इस बात को आप गहराई में जाके थोड़ा समझने की कोशिश करें तो हम कहना क्या चाहते हैं कि सर मेरे पास आर डी मतलब हम यूं कहना चाह रहे हैं कि आर डी की जगह हम क्या ले सकते हैं नीटा वी टी अपॉन कैपिटल आई डी इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है ब्रदर अगर आप ध्यान से देखें इसका मतलब यह है कि हम ऐसा कहना चाहते हैं कि लगा रखी है उसमें अगर हम स्मॉल एसी सिग्नल सुपर इंपोज करते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो करंट और वोल्टेज रिलेशन आ रहा है जो कि एसी सिग्नल को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है और ये ये कहना चाहता है कि अगर वी डी नीटा वीटी ध्यान रखना आप अगर वी डी अपन नीटा वीटी की वैल्यू काफी कम है एक से तो आप उस डायोड को फॉर दिस ए सी सिग्नल और फॉर दिस स्मॉल ए सी सिग्नल वी कैन रिप्रजेंट जस्ट लाइक ए रजिस्टर एंड वी कैन टेक एज ए यू नो रजिस्टिव एलिमेंट और आई से दिस रजिस्टिव सर्किट मतलब आपके पास एक डायोड था उसमें आपने क्या लगा रखा स्मॉल एसी सिग्नल उसको जैसे ही आप उसमें आप सुपर इंपोज करेंगे सो वी कैन टेक द डायोड इज बिहेव्स लाइक ए रजिस्टिव एलिमेंट मीन्स आई से कि वी हैव बेसिकली द डायोड एंड इफ आई बायज एंड वी अप्लाई द स्मॉल एसी सिग्नल इन बिहेवस लाइक ए वॉट सिंपल आर डी ये एक आर डी की तरह काम करता है तो एक आर की तरह काम करेगा आगे मैं आपको बताऊंगा अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक छोटा सा लेक्चर बता रहा हूँ जिसमें देखेंगे आपकी इसमें कैपेसिटर भी पिक्चर में आ जाता है सो वैन एवर वी सी इन द डिटेल द क्लासेस वी डिस्कस इट यस तो अभी मैं इस रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो देखिए ध्यान से पूरी कहानी क्या समझ में मैं अगर इसको समराइज करें एक लाइन में तो मैंने बताया इसमें कैपेसिटेंस भी आता है इसमें क्वेश्चन गेट में आए भी हुए हैं तो अभी मेरे पास बहुत ही कम समय में आपको कुछ बात समझानी कि मैं क्या करने वाला हूँ तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला कि मेरे पास ध्यान से सुनिएगा एक डी सप्लाई थी ठीक है ना वहाँ मैंने क्या कर रखा है वहाँ मैंने एक स्मॉल एसीज सिग्नल सुपर इम्पोज़ किया तो मैंने ऑब्जर्व किया

ओके वी गामा यस तो आपसे मैं ऐसे कहूं कि सर मैंने यहां पे क्या कर दिया एसी सिग्नल यहां पे सुपर इंपोज कर दिया दिस इज आई जस्ट टेक ट्रेंगुलर वट यू वांट यस नॉट ट्रेंगुलर यस साइनस ऑर्डर भी ले सकते हैं तो यहां पे मेरे पास करंट आएगी इस तरह से कुछ करंट आ जाएगी यस दिस इज वी वी हैव तो मैं आपसे एक बात पूछूं अगर तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वेन एवर वी सुपर इम्पोज दिस स्मॉल ए सिग्नल तो आपको पता है जब भी कोई कर्व होता है उसमें एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं सो बेसिकली इट लाइक है लीनियर एलिमेंट और आई से रजिस्टर तो कई बार आप ऐसे कहते हैं वैन एवर वी अप्लाई स्मॉल ए सी सिग्नल और सुपर इम्पोज विद द डीज कॉन्टिटी सो द डायोड इज बी लाइक ए लीनियर एलिमेंट और वी कैन रिप्रेजेंट लाइक ए रजिस्टर सो सिंपली आई से कि कहीं ना कहीं मेरे पास अगर एक लाइन में समरी लिखे हम तो वट इज द समरी तो आप देखेंगे इसकी समरी क्या है कि वैन एवर वी हैव ए डायोड इसको मैंने डी सी से बायस कर दिया बायस करने के बाद इसमें मैंने क्या कर दिया ए सी सिग्नल लगा दिया तो इट बिहेव्स लाइक ए वॉट सिंपल एक आरडी की तरह मैं आपको आगे कभी डिस्कस करूंगा वेनवर वी सी कि होता क्या है कि इसका जो दूसरा मॉडल इस तरह भी बना सकते हैं आर डी एंड वी हैव एल्सो सम कमिंग टू द पिक्चर सी डी एंड दिस कैपेस्टर टू द पिक्चर वेनेवर वी अप्लाई द स्मॉल ए सी सिग्नल स्मॉल ए सी सिग्नल एंड इट हैज ए फ्रीकुवेंसी इज वेरी हाई फ्रिक्वेंसी तो हाई फ्रीक्वेंसी पे दिस सी डी टू द पिक्चर बिकॉज इट्स रिएक्टेंस इज सिग्निफिकेंट तो ये इसके मॉडल है तो सिंपली एज ए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट एज एन लॉक मोन्टिव भी हम याद रखते हैं कि वैन एवर वी हैव ए डायोड एंड वी हैव स्मॉल सिग्नल एंड वी नीड टू एनालाइज द ए ए सी करेंट एंड वोल्टेज सो जस्ट वी रिप्लेस विद दर डी एंड वट अबाउट दर डी आ डी इज इक्वल टू नीटा वी टी अपॉन यू नो कैपिटल आई एंड कैपिटल आई डी अ डी सी बायसिंग करंट येस वट एवर वी गेट वैन एवर वी अपलाई द डी बायस एंड दिस इज वी हैव सो सिंपली आई ट्राई टू सॉल्व वन नुरेकल रिटेड टू दिस सो वट इज़ अ नोमेरिकल सी तो ये देखे देने से जैसे मैंने अभी आपको बताया तो फटाफट मैंने इसको रिवाइज करा दिया तो आपने कभी पढ़ा होगा तो मैंने उसको रिवाइज करा दिया किस तरह से होता है कुछ थ्यूरी नहीं लिखाई केवल कंसेप्ट बताया ऐसे ऐसे होता है अब इससे रेलेटेड हमें तो क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे ठीक है ना तो अभी मुझे कुछ टाइम लिमिट में ही पूरी कहानी बानी है तो इसलिए मैं आपको इस तरह से क्विकली ये चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है ना तो जब भी वैन एव वी सी द क्लासेज इन प्रॉपर मैनर यू कैन ऑब्जर्व द तो बहुत स्लो नहीं रहेंगे वैन एवर वी डिस्कस द थ्योरी एंड डेफिनेटली वी यू नो प्रोवाइड यू नो ब्रीफ आइडिया एन आई से दिस की जो भी कंसेप्ट है जो भी हेल्दी कंसेप्ट है कहीं अगर आप देख रहे रेगुलर क्लासेस में कुछ इरे टॉपिक होते हैं जो कम कम आते हैं जैसे कभी दो हज़ार सोलह में कोई क्वेश्चन आया फिर दो हज़ार बीस में आया तो लोग उसको जनली छोड़ देते हैं तो हम लोग वो भी करने वाले हैं कि जो कभी कभी आते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में जाकर यानी कि पूरी कहानी पूरी क्वेश्चन बेस्ड कहानी होगी सो so, देखिए ध्यान से जैसे मैं आपसे कहूँ एक क्वेश्चन है छोटा सा अगर उसको सॉल्व करना है तो हाउ वी सॉल्व इट यस तो नाउ आई जस्ट राइट इट हियर तो जैसे मैं आपसे कहूँ इफ आई जस्ट राइट तो मेरे पास एक क्वेश्चन है इफ आई जस्ट राइट इट यस कि मेरे पास यहाँ पे एक वी एस है लगा रखा है दिस इज वी एस और यहाँ पे मेरे पास एक डायोड है इस तरह से देखिए ध्यान से यहाँ वी एस की कुछ वैल्यू दी गई है इफ़ आई जस्ट राइट वी एस ये वी एस इज इक्वल टू आई से वन पॉइंट वन प्लस पॉइंट वन साइन वन हंड्रेड टी ये मेरे पास वी एस दिया गया है देखिए ध्यान से आर की वैल्यू हाउ मच वी है आर दिस इज हंड्रेड ओके एंड वी गामा इज़ एल्सो गिवन नीटा वी टी भी गया है आपको नीटा वी टी भी आपको फोर्टी मिली वोल्ट दिया गया है ओके okay? और आपसे कह रहा है कि जो वी गामा है उसकी वैल्यू आपके पास पॉइंट सेवन है और आपसे पूछ रहा है सर आई डी ऑफ टी बताओ यानी आपसे पूछ रहा है कि सर ए सी बताओ ये सो दिस इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट द क्वेश्चन सबसे पहले सर्किट बनाया देखिए आपसे पूछा किया गया है? कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो कर रही है ए करंट वो आपको बतानी है इसमें जो मैंने सिग्नल लगा रखा है वो वी एस ए है और यहाँ पे जो नीटा वीटी उसकी वैल्यू फोर्टी मिली वोट है और वी गामा की वैल्यू कितनी पॉइंट सेवन है तो हाउ वी अप्रोच इट शायद आप समझ गए होगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे पास अगर आप ध्यान से देखें तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास ए सी और डी सी सिग्न है दो सो दिस इज वी आर तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गो थ्रू इट्स डीसी एनालिसिस सर व्हाई वी गो फॉर द डीसी एनालिसिस बिकॉज इसकी जब एसी एनालिसिस करेंगे तो वी रिक्वायर आर डी एंड फॉर द आर डी वी रिक्वायर आई डी समझ रहे हैं मेरी बात आपकी नहीं तो देखिए ध्यान से फॉर डीसी हम करते क्या है हम एसी सिग्नल को यहाँ से हटा देंगे सो दिस इज माई ए सी सो आई रिमूव इट एस तो यहाँ केवल हम क्या लेंगे दिस इज वन पॉइंट वन और आपको पता है जैसे वन पॉइंट ले हुए तो ये डावर्ड आपका क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा दिस इज पॉइंट वन एंड वट अबाउट द कैपिटल आई डी तो यहाँ से कैपिटल आई डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो हाउ मच वी हैव दिस इज वन पॉइंट वन माइनस पॉइंट सेवन एंड डिवाइड बाई वन हंड्रेड सो वेन एवर वी गो थ्रू द कैलकुलेशन इट शुड भी हाउ मच वन पॉइंट वन यानी हो जाएगा आपका कितना पॉइंट फोर पॉइंट फोर है नीचे कितना आ गया है वन हंड्रेड तो यहाँ से आप लिख सकते हो इसको कितना सो आई डी इज इक्वल टू आई थिंक सो वी गॉट फोर मिलियन पियर ये चार मिली पियर आ जाएगी दिख रही है आपको दिख रहा ना यहाँ से दो जीरो और लग जाएंगे तो फिर हजार से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा ये चार मिली पियर आ जाएगा तो आई डी इज फोर मिलियम नाउ आई से दिस अच्छा जब भी डीसी एनालिसिस करेंगे हमेशा ध्यान रखना आप वन एवर वी गो थ्रो द डीसी एनालिसिस तो हमेशा क्या करेंगे आप जो ए सिग्नल हैं उनको हम डीएक्टिवेटेड कर देंगे वही मैंने किया है डीएक्टिवेटेड सर वी गो फॉर द डीसी एनालिसिस बिकॉज दी रिक्वायर आर डी ठीक है ना इसके बाद से आप मेरे को क्या करना है मेरे को आई डी चाहिए ए सी करेंट चाहिए इट मीन्स वी नीड टू रिप्लेस माई डायवर्ड विद हेल्प ऑफ इट स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पे करने वाला हूं कि मेरे पास ये आपके पास है पॉइंट वन क्या करेंगे आपको पता है कि वी रिप्लेस माई डायउ विद्प ऑफ सिंपल आर डी एंड दिस इज वी है यू नो वन हंड्रेड ओम तो आर डी की वैल्यू कितनी आपने निकाली अभी आरडी निकालना पड़ेगा आपको क्योंकि आर डी निकाला नीटा वीटी अपॉन हाउ मच वी है दिस इज़ योर आई डी नीटा वी टी आपको फोर्टी मिली मिली वोल्ट दिया गया है एंड दिस इज़ फोर मिली एम्पियर तो आई थिंक सो इट शुड भी मिली मिली कैंसिल आउट सो इट शुड भी आई से टेन होम तो यहाँ से मेरे पास ये दस होम आ जाएगा नौ सम्बडी से वॉट अबाउट द आई डी तो हंड्रेड परसेंट आई राइट द आई डी इज इक्वल टू एनी बडी सो आई डी इज इक्वल टू आई डी ऑफ टी इज इक्वल टू पॉइंट वन साइन वन हंड्रेड टी डिवाइड बाई वन वन जीरो एक सौ दस क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे सो फ्राम वेयर वी गेट वट एक सौ दस हो जाएगा तो वट इज़ दिस आई से तो हंड्रेड परसेंट हिर आई से कि कहीं ना कहीं मेरे पास जो आई की वैल्यू आने वाली है दिस इज योर इन सम यूनिट्स यस चूँकि ये मिली वोल्ट में शायद था या वोल्ट में था जो भी हो तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी सो so, सीधा यूनिट चूँकि आपके पास ये ओम में लिखा हुआ है और ये वोल्ट में लिखा हुआ है तो इट्स वड बी एन एम्पियर तो ये पूरी क्वांटिटी आपके पास एम्पियर में आ जाएगी आप चौदह उसको मिली एम्पियर में भी लिख सकते हो नॉट ए बिग डील क्योंकि ये आपका किस में लिखा हुआ ओम तो में ये आपका पॉइंट वन साइन उमेगा साइन वन हंडी ये एम्पियर में है, तो एम्पियर अपॉन सॉ दिस इज वोल्ट अपॉन ओम सो इट शुड बी एम्पियर डिवाइड करेंगे तो कुछ हद तक मिली एमपियर में करंट आ जाएगी तो ये आ जाएगी अगर आप चाहते हो कि सर आई जस्ट वॉन्ट टू कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस डायोड मतलब हमें डायोड के क्रॉस वोल्टेज चाहिए मतलब वोल्टेज चाहिए तो हाउ वी कैलकुलेट सो आई थिंक सो दिस शुड बी तो इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए दिस इज वी डी ऑफ टी तो हाउ वी कैलकुलेट द वी डी ऑफ टी सिंपल सा है आप वी डी ऑफ टी चाहिए तो आप क्या कर देंगे आई डी ऑफ टी में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे आर डी में तो आपने एक चीज देखी बस मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा क्या आपने ऑब्जर्व किया इस पूरी कहानी में वो मैं बात करता हूँ जो कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ध्यान से पढ़ तो लेंगे कि साल भरी न्यूमेरिकल करना है अगर आप इस आर बैच को ज्वाइन करते हैं तो पूरे साल यही करना है तो ओवरऑल आपको समझ में क्या आया मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि सर देखिए ध्यान से कई बार क्या होता है जैसे आपने स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग है और इलेक्ट्रिकल ब्रांच हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं है, तो कई बार आप इस मॉडल को नहीं पढ़ते तो मुझे पता होता है कि जनरली चाहे आप कहीं भी कोचिंग करके आए हो जनरली क्लास में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो रेगुलर बैचेस में लोग डिस्कस नहीं करते वैसे हम लोग अपने बैचेस में डिस्कस करते रहते हैं खैर लेकिन अगर मान लीजिए आपके साथ नहीं हुआ है या आपको किया गया है तो आपको क्लियर नहीं है तो हम उसको दोबारा से मतलब डिस्कस कर देंगे पहली डिस्कस कर देंगे समझ रहे हैं मेरी बात लेकिन मान लो कल को मुझे यहाँ पे कोई नोडल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो मैं नोडल नहीं बताऊंगा कि नोडल क्या होता है हाउ वी अप्लाई द नोडल एनालिसिस ये नहीं बताने वाला हूं मैं हम सीधे क्वेश्चन लेंगे नोडल का उसमें नोडल लगाएंगे तो आप देख लेना फिर कभी सोर्स नहीं बताएंगे कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है हाँ क्वेश्चन लेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का तो वहां लगाएंगे तो वहां देख लीजिएगा आप लेकिन ट्रांजेंट की बात करें तो ट्रांजेंट में जब आपको जैसे आप निकालते हैं क्या निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस करंट इस तरह से आपने देखा होगा तो इस टाइम आप ये करने में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं या थर्ड uh, डेरिवेटिव निकालना मान लीजिएगा आपको आप करंट निकालना है तो ये क्वेश्चन जब आप करोगे ना तो आपको दिक्कत आती है तो इसके पहले जो आपके कंसेप्ट वो हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे तो कई बार तो क्या होगा कि हम पहले आपको हल्का सा पढ़ा देंगे आपसे बोलेंगे आप पढ़ के आओ मुझे लगेगा टॉपिक पहले पढ़ाना उसको पहले पढ़ा देंगे मुझे लगेगा यह वाला टॉपिक क्या है बहुत आसान है राउथरवि है तो अब राउथरवी तो क्या पढ़ाई पूरी दुनिया को आती है राउथरविज तो तो पहले क्या करेंगे हम सीधे राउथरवी से तो उसके बाद क्या करेंगे उसकी टेबल बनाएंगे तो अपने आप सीख जाओगे क्या होगा तो ऐसा कुछ नहीं कि हम क्वेश्चन पहले देंगे फिर कंसेप्ट डेवलप करेंगे दिस इज नॉट कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन दिस इज आर आई बी बैच वेरी मच लाइक यूनिक नेम रैंक इंप्रूवमेंट बैच इसका मतलब यह है कि हमें क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस 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 एंड ऑल टाइम प्रैक्टिस तो केवल प्रैक्टिस करनी है तो इस बात को आप एकदम ध्यान रखिएगा तो एक बार आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आप मेरे से भी कर सकते हैं मेरा नंबर है एट डबल वन डबल एट थ्री फाइव सिक्स वन थ्री आप इस नंबर पे मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि सर और मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूं कि सर बताइए क्या है आ, या फिर आप इंजीनियर्स अकेडमी की वेबसाइट पर जाके किसी नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं ठीक है ना या इंजीनियर्स अकेडमी का कोई भी नंबर हो किसी को भी कॉल कर सकते हैं आप और वो आपको पूरी कहानी बता देगा तो अपना जो निम्बस प्लेटफॉर्म है इंजीनियर्स अकेडमी का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर यह क्लासेस चलेंगी तो इंजीनियर्स अकेडमी एंड द निम्बस बोथ आर द सेम थिंग यस और कहीं ना कहीं आप निम्बस पे जाके लॉग इन कर सकते हैं वहाँ पे देख सकते हैं डिटेल या फिर आप चाहो तो इंजीनियर्स एकेडमी में जाके कोई भी कॉल आप कर लीजिएगा आप मेरे को भी कॉल कर सकते हैं कि सर बताइए जरा एक बार और बेहतर तरीके से आर के बारे में क्या तो मैंने मेरे को जितना लगता था बताना चाहिए मैंने बता दिया है तो जो भी मेरे और मेंटर्स हैं वो भी कुछ हद तक आपको उस डेमो दे आपको दिखा देंगे सारी चीज़ें जो अपने सारी टीम है पूरी इस ग्रुप की वो सब आपको बताते रहेंगे समय समय पर तो अभी मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक लिया उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से मैं करने वाला हूँ कई बार क्या होगा कंसेप्ट बहुत आसान होगा सीधे क्वेश्चन ले लेंगे तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे स्टूडेंट और फैकल्टी चलता रहेगा बट वी ट्राई टू सॉल्व 300 हंड्रेड प्लस क्वेश्चन इन एवरी सब्जेक्ट दिस इज माई बेसिकली द एजेंडा एंड ऑल टाइम प्रैक्टिस एंड द प्रैक्टिस की वजह से ही केवल आपकी गेट में रैंक आएगी और जो कि आपने पिछले साल नहीं करी थी या जो लोग आप पढ़ चुके हो अभी पहली बार गेट देने जा रहे हो तो आपके साथ भी ऐसी घटना ना हो कि आपकी रैंक ना आए क्यों रैंक नहीं आती क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते तो आप इस आर आई बी बैच को ज्वाइन करिएगा और कोई डाउट हो तो आप मेरे से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.